हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। अपने सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं GPB 311 और आज की इस वीडियो में अपने एक न्यू क्रॉप स्टार्ट करेंगे, काउपी। ठीक है, लास्ट वीडियो के अंदर अपने क्रॉप पढ़ी थी ग्रीन ग्राम और आज अपने पढ़ेंगे काउपी। तो सबसे पहले अपने पढ़ेंगे इसका क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन के अंदर अपना पहला पॉइंट होगा इसका बॉटनिकल नेम या वानस्पतिक नाम। तो काउपी का वानस्पतिक नाम होता है विग्ना एंग्युइकुलाटा। ठीक है, विग्ना एंग्युइकुलाटा। नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे इसकी फैमिली के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि जो पल्सेस हैं अपनी काउपी, इसकी फैमिली भी कौन सी होगी, फेबेसी। फेबेसी। नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे इसके क्रोमोसोम नंबर, मतलब काउपी के अंदर गुणसूत्र कितने होते हैं। तो इसमें होते हैं 2n = 22। मतलब ये भी किस प्रकार की स्पीसीज है, क्रॉप है, डिप्लोइड है। ठीक है, सबसे पहले इसका वानस्पतिक नाम विग्ना एंग्युइकुलाटा, फैमिली फेबेसी और क्रोमोसोम नंबर कितने हैं इसमें 2n = 22। मतलब ये किस प्रकार की है, डिप्लोइड। नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे इसका सेंटर ऑफ ओरिजन, कि जो अपनी क्रॉप है काउपी, इसका उत्पत्ति केंद्र किसे कहते हैं। नेक्स्ट अपना पॉइंट है सेंटर ऑफ ओरिजन। तो काउपी का सेंटर ऑफ ओरिजन है अफ्रीका। ठीक है, इससे पहले जो अपने दो पल्सेस पड़ी हैं ग्रीन ग्राम और ब्लैक ग्राम, उन दोनों का सेंटर ऑफ ओरिजन कौन सा था, इंडिया। और ये जो अपनी काउपी है इसका सेंटर ऑफ ओरिजन है अफ्रीका। नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे इसमें डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब वितरण, कि काउपी की सोइंग कहाँ कहाँ पर की जाती है। तो सबसे पहले अपने डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ेंगे मेजर ग्रोइंग कंट्रीज। ठीक है, पहला पॉइंट इसमें अपने क्या पढ़ेंगे, मेजर ग्रोइंग कंट्रीज, कि ऐसी कौन कौन सी कंट्रीज हैं जहां पर काउपी की जो ग्रोइंग है या सोइंग की जाती है। तो इसमें इंडिया, श्रीलंका, बर्मा, केनिया या कीनिया, नाइजीरिया। ठीक है, तो ये कुछ कंट्रीज हैं, ये दोनों किसकी आ गई, अफ्रीका की। अफ्रीका जो आपका महाद्वीप है उसकी आ गई। तो मतलब ये कुछ फेमस कंट्रीज हैं जहां पर काउपी की जो सोइंग है वो की जाती है। इसमें दूसरा अपना पॉइंट होगा मेजर ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया। ठीक है, कि अपने स्पेशल इंडिया की बात करें कि इंडिया के अंदर ऐसे कौन कौन से स्टेट हैं जिनमें काउपी की जो सोइंग है वो की जाती है। तो सबसे पहले राजस्थान, गुजरात, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, ठीक है, यूपी और महाराष्ट्र, ये कुछ स्टेट हैं इंडिया के जहां पर काउपी की सोइंग की जाती है। ठीक है, कंट्रीज कौन थी, इंडिया, श्रीलंका, बर्मा, केनिया और नाइजीरिया। ठीक है, तो ये हो गया अपना डिस्ट्रीब्यूशन और सेंटर ऑफ ओरिजन। इसमें से भी जो मेन आपने याद रखना है इसका सेंटर ऑफ ओरिजन, कि इसका सेंटर ऑफ ओरिजन है अफ्रीका। नेक्स्ट अपना पॉइंट है इसके अंदर रिप्रोडक्शन एंड पॉलिनेशन, मतलब इसमें किस प्रकार का जनन होता है और इसमें किस प्रकार का जो फ्लावर है वो पाया जाता है। तो नेक्स्ट अपनी इसमें हेडिंग है रिप्रोडक्शन एंड पॉलिनेशन। ठीक है, सबसे पहले अपने पढ़ेंगे इसमें
फ्लावर के बारे में कि काउपी के अंदर किस प्रकार का फ्लावर होता है। तो इसमें फ्लावर होता है स्टूडेंट्स बाईसेक्सुअल, ठीक है। किस प्रकार का होता है? बाईसेक्सुअल होता है। और नेक्स्ट अपने बात करें इसमें पॉलिनेशन की कि इसमें किस प्रकार का परागण होता है, तो किस प्रकार का परागण है? सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब ये किस प्रकार की क्रॉप है? सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। क्यों? क्योंकि ये फ्लावर इसमें कौन सा होता है? बाईसेक्सुअल होता है। मतलब इस फ्लावर के अंदर एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों ही क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं इसमें प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन तो ये किस प्रकार की क्रॉप है? सीड प्रोपेगेटेड क्रॉप है। मतलब इसमें प्रोपेगेशन किसके द्वारा होता है? सीड के द्वारा होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अपना आइसोलेशन डिस्टेंस। आइसोलेशन डिस्टेंस तो काउपी के लिए जो इसके फाउंडेशन सीड हैं या सर्टिफाइड सीड हैं उन दोनों के लिए जो आइसोलेशन डिस्टेंस है वो है 50 मीटर, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका जो आइसोलेशन डिस्टेंस याद रखना है आपने कि काउपी का आइसोलेशन डिस्टेंस कितना है? 50 मीटर, ठीक है। तो ये अपना पॉइंट था रिप्रोडक्शन एंड पॉलिनेशन। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट पॉइंट होगा वो है इसके ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव कि जो अपनी क्रॉप है इसके ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होंगे। अपनी हेडिंग है ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव। तो फर्स्ट जो इसमें ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव है हायर ग्रेन यील्ड, ठीक है। मतलब जो उत्पादन है वो ज़्यादा हो। तो काउपी का उत्पादन कैसे ज़्यादा हो सकता है कि जब प्लांट के अंदर जो नंबर ऑफ पोड्स हैं मतलब जो फलियां हैं फलियों की संख्या क्या होगी? ज़्यादा होगी। नंबर ऑफ पोड्स क्या हों? ज़्यादा हों। या लेंथ ऑफ पोड्स की जो फलियों की जो लंबाई है वो भी क्या हो? ज़्यादा हो। तीसरा पॉइंट अपने इसमें ऐड कर सकते हैं नंबर ऑफ सीड पर पोड्स कि हर फली के अंदर हर पोड के अंदर जो नंबर ऑफ सीड्स हैं वो भी क्या हो? ज़्यादा हो। तो ये जब कंडीशनें होंगी तो अपने आप ही जो इसकी जो यील्ड है वो क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो ये था अपना इसमें फर्स्ट ऑब्जेक्टिव कि हायर ग्रेन यील्ड कि नंबर ऑफ पोड्स ज़्यादा हो, पोड्स की जो लेंथ है वो लंबाई है वो ज़्यादा हो और हर पोड के अंदर जो नंबर ऑफ सीड है वो भी क्या हो? ज़्यादा हो। दूसरा अपने इसमें पॉइंट है हायर ग्रेन यील्ड के बाद बेटर क्वालिटी। बेटर क्वालिटी, ठीक है। तो इसकी क्वालिटी कैसे अच्छी हो सकती है कि जब सीड कलर जो अपना सीड है सीड का कलर क्या होगा? अच्छा होगा। या आप इसमें लिख सकते हो सीड साइज या सीड शेप, ये सही होनी चाहिए। तो इससे भी जो इसकी क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है। या इसमें जो प्रोटीन कंटेंट है वो भी क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। और एक जो अपना अमीनो एसिड होता है मैथ्योनिन वो भी इसमें क्या हो? ज़्यादा हो, ठीक है। या आप इसमें एक और ऐड कर सकते हो लो अमाउंट ऑफ एंटी न्यूट्रिएशनल सब्सटेंसेस, ठीक है। कि जो मैथ्योनिन है वो भी क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। और अपना लास्ट पॉइंट आपने इसमें क्या ऐड करना है कि एंटी जो न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस हैं वो क्या होने चाहिए? कम होने चाहिए। लो अमाउंट ऑफ एंटी न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस, ठीक है। तो जब ये कंडीशनें होंगी तो जो इसकी जो ग्रेन है या सीड की क्वालिटी है वो अपने आप ही क्या हो जाएगी? अच्छी हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अपने इसमें पढ़ते हैं थर्ड जो इसका अपना ऑब्जेक्टिव है डिजीज रेजिस्टेंट।
डिजीज रेजिस्टेंट, तो काउपी के अंदर कौन कौन सी डिजीज होती हैं कॉमन, तो उन सभी के प्रति ये जो क्रॉप है वो रेजिस्टेंट होनी चाहिए। जैसे अपने यहां पर लिख सकते हैं येलो मोजेक, बैक्टीरियल ब्लाइट, बैक्टीरियल ब्लाइट, ठीक है। नेक्स्ट अपने इसमें लिख सकते हैं लीफ स्पॉट और पाउडरी मिल्ड्यू। ये कुछ कॉमन डिजीज हैं जो काउपी में प्रेजेंट होती हैं। तो इन सभी डिजीज के प्रति जो अपना प्लांट है काउपी का, वो क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंट होना चाहिए। और लास्ट में अपने इसमें ऐड कर सकते हैं इंसेक्ट रेजिस्टेंस। तो कौन कौन से इंसेक्ट इसे नुकसान पहुंचाते हैं काउपी को, तो इसमें अपने ऐड कर सकते हैं पॉड बोरर, कट वर्म्स और एफिड, ठीक है, और एफिड। तो ये इंसेक्ट हैं, इनके प्रति जो अपनी क्रॉप है वो क्या होनी चाहिए, रेजिस्टेंट होनी चाहिए। तो ये आपने अच्छे से याद रखना है कि इनकी कौन कौन सी डिजीज हैं, कौन कौन से इंसेक्ट हैं, इनके प्रति ये रेजिस्टेंट होना चाहिए। और ऊपर वाले दो पॉइंट हायर ग्रेन यील्ड और क्वालिटी, तो ये अपने इसमें ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव थे। ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव के बाद लास्ट में अपना पॉइंट है इसमें ब्रीडिंग प्रोसीजर, कि कौन कौन से ऐसे ब्रीडिंग के प्रोसीजर हैं जिनका यूज करके अपने इसकी जो बेटर वैरायटी है वो अपने तैयार कर सकते हैं। ब्रीडिंग प्रोसीजर, तो ब्रीडिंग प्रोसीजर के अंदर जो इसमें अपनी फर्स्ट हेडिंग होगी वो होंगे इसके जनरल मेथड। जनरल मेथड कि ऐसे कौन कौन से जो सामान्य मेथड हैं जिनका यूज करके अपने इसकी जो न्यू वैरायटीज हैं वो तैयार कर सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, इंट्रोडक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन, पेडिग्री मेथड है जो अपना, ठीक है, और मल्टी लाइन जो क्रॉस होता है, इनका यूज करके अपने इनकी जो न्यू वैरायटीज हैं वो अपने तैयार कर सकते हैं। कौन कौन से, इंट्रोडक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन, पेडिग्री और जो मल्टी लाइन है, या आपने इसमें एक और ऐड कर सकते हैं बैक क्रॉस। इस बैक क्रॉस के द्वारा अपने उसमें रेजिस्टेंट पावर ला सकते हैं, या एक और अपने ऐड करें इसमें, तो जो बक मेथड होता है आपका, ठीक है, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। दूसरा अपने इसमें पढ़ें इसका स्पेसिफिक मेथड, कि ऐसे कौन से विशेष मेथड हैं जिनका यूज करके अपने इसकी जो न्यू वैरायटीज हैं वो तैयार की गई हैं। तो इसमें एक आपने याद रखना है मेथड म्यूटेशनल ब्रीडिंग, उत्परिवर्तन प्रजनन। तो उत्परिवर्तन के द्वारा या म्यूटेशन के द्वारा इसकी कौन कौन सी वैरायटी तैयार की गई हैं, उन सभी के नाम आपको याद रखने हैं। उन सभी के नाम वी से शुरू होते हैं, V16, V3, V38 और लास्ट में V240। ये इसकी वैरायटीज हैं जिसको म्यूटेशनल ब्रीडिंग मेथड के द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है। तो इसी के साथ ही जो अपनी आज की क्रॉप है काउपी ये कंप्लीट हो गई। जो स्टूडेंट्स मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर क्रॉप करवाई थी ग्रीन ग्राम, इसे अपने मूंग बीन भी बोलते हैं, ठीक है, तो वीडियो के अंदर जो इसका बॉटनिकल नेम है वो आपने लिख दिया था विग्ना मुंगो। वीडियो के अंदर इसका बॉटनिकल नेम क्या लिख दिया था, विग्ना मुंगो। जो इसका गलत नाम है, इसका जो सही वानस्पतिक नाम है, सही बॉटनिकल नेम है, वो क्या होता है, विग्ना
रेडिएटर, ठीक है। तो वैसे मैंने जो आपका कमेंट बॉक्स है इस वीडियो का, उसमें कमेंट कर भी दिया था कि इसका जो बॉटनिकल नेम है वो गलत लिखा हुआ है वीडियो में, और सही नाम क्या होता है इसका, विग्ना रेडिएटा। तो ये थोड़ा सा आप चेक कर लेना उसमें। बाकी यदि आपको इस वीडियो में या इस क्रॉप के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो, या जो अपनी जूम पर डाउट क्लासेस होती हैं उसमें भी आप पूछ सकते हो। तो न्यू वीडियो के अंदर अपने एक न्यू क्रॉप स्टार्ट करेंगे। ये जो अपनी क्रॉप थी ये यहीं पर ही कंप्लीट होगी।